गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आज हम ले गए हैं आपके लिए ब्राइन क्लास। ब्राइन क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है और क्या इसके एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम आज टॉपिक क्लियर करेंगे, सबसे पहले ब्राइन के बारे में, ब्राइन क्या होता है। नंबर सेकेंड, टाइप्स ऑफ ब्राइन, ब्राइन कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू की उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ग्रेविटी क्या होता है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो अगर आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है या नॉलेज को इम्प्रूव करना है तो पेन और कॉपी साथ में ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो मैंने नहीं लिखे हैं लेकिन वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। और ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो हमारा टॉपिक है ब्राइन क्लास। सबसे पहले व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन होता क्या है। देखिए ब्राइन, अगर हमारे बात करें केमिस्ट्री के अंदर या रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, ब्राइन होता है एक नमक और पानी का घोल। एक सिंपल वे में देखें, अगर हम पानी को टेम्परेचर दें 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर नमक की मात्रा ऐड कर देते हैं तो वो नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक ऐड हो गया है। तो जब नमक पानी के अंदर ऐड हो जाता है तो उस सब्सटेंस को क्या कहलाता है, ब्राइन कहते हैं। नमक और पानी के घोल को ब्राइन कहते हैं। और रेफ्रिजरेशन में जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट आता है वो क्या होता है, ब्राइन होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का मतलब जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडे किए जाते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मतलब जैसे हमारे R12, R22, R134, अमोनिया, फ्रियोन, ये सब हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में आते हैं। इनकी सहायता से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना, तो ब्राइन हमारा किस में आता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैल्शियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ए साल्ट विद द केमिकल फॉर्मूला CaCl2, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CaCl2 होता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज हाईली सोल्यूड इन वाटर। मतलब क्या कह रहे हैं, यह कमरे के तापमान पर एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है और यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है। इट कैन बी क्रिएटेड बाय न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोलिक एसिड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका मतलब क्या है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्राकृतिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने मात्रा में पानी और नमक लेना पड़ेगा, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेट इज CaCl2.2H2O। मतलब क्या फॉर्मूला है इसका, CaCl2 होता है और उसके अंदर क्या होता है, 2H2O, मतलब पानी। इसके अंदर हमें हेयर वी नीड टू एड द टोटल नंबर ऑफ मासेज 40 Ca, 71 कैलोरी प्लस 2 × 18 वाटर इजक्वल टू 147 मास। 2H2O oblique CaCl2.2H2O is equal to 36/147 × 100 मतलब 24.49%। So the mass percentage of water in calcium chloride dihydrate salt is 24.49%। मतलब इसके अंदर जो ये वैल्यू निकाली गई, ये वैल्यू मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो वैल्यू है किस चीज़ की है, कि कैल्शियम क्लोराइड में पानी का प्रतिशत कितना है, 24.49%। और ये कैसे आया है, ये किसी बुक में नहीं लिखा, मैंने इसको थोड़ा सा प्रिपेयर किया और इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड में जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, वैसे बुक में आपको मिल जाएगा -35, -40, हम कैल्शियम क्लोराइड से रीच कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा हमारा पीएच वैल्यू और ग्रेविटी वैल्यू के ऊपर। पीएच और ग्रेविटी वैल्यू के बारे में हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कॉमनली नोन एज साल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम किसके नाम से जानते हैं, नमक के नाम से जानते हैं। इज एन
ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला NaCl, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NaCl होता है, रिप्रेजेंटिंग ए 1:1 रेशो ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। मतलब इसमें जो रेशो होता है सोडियम का और क्लोराइड का वो 1:1 होता है। विद मोलर मास ऑफ 22.99, इसके अंदर जो मोलर मास होते हैं वो 22.99 एंड 35.45 गैलन पर मोल और 100 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन एंड 39.34 ग्राम Na एंड 60.66 गैलन कैलोरी होता है। इसका पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया कि इसके अंदर कितनी मात्रा किस चीज़ की मौजूद रहती है, लेकिन हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, pH वैल्यू। अब pH वैल्यू होती क्या है, चलिए वो देखिए। देखिए pH वैल्यू की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है पोटेशनल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशनल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल वर्डिंग में देखें ये एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम कोई भी वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हैं कि हम जो पानी पीते हैं उसकी pH वैल्यू कितनी है, हमारा जो खून है उसकी pH वैल्यू कितनी है। क्यों करते हैं हम ऐसा, ऐसा क्या रीज़न है, चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज ए pH वैल्यू इन केमिस्ट्री, pH आल्सो रेफर टू एसिडिटी हाइड्रोलिसिस डिनोट पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। इट इज ए स्केल यूज टू स्पेसिफिक द एसिडिटी ऑफ बेसिकिटी ऑफ एन एक्यूज सोल्यूशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यह एक जलीय घोल की अम्लता या सारता को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एसिडिक सोल्यूशन आर मेजर टू हैव लोअर pH वैल्यू देन बेसिक और एल्काइन सोल्यूशन। और इसके द्वारा जो हमारा एसिड सोल्यूशन है उसके द्वारा मेजर किया जाता है जो हमारी pH वैल्यू है वो एल्काइन है या आपकी क्या है, एसिड है। तो चलिए pH स्केल वैल्यू कुछ आपका इस प्रकार से होता है। अब जैसे मैंने आपको पीके दिखाई है, हर एक की pH वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। अब एसिड की pH वैल्यू जैसे 0 शो कर रहे हैं, स्टोमच की आपकी pH वैल्यू 1 होती है, लेमन की 2 होती है, ठीक है, वाइन की 4 होती है, कॉफ़ी की 5 होती है। तो हर एक की pH वैल्यू अलग अलग होती है, क्यों, और कहीं ना कहीं हमारा जो ब्राइन होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा ब्राइन को देख लेते हैं, ब्राइन के अंदर जो हमारी pH वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए कितनी, 6.5 से 7.5। नोट कर लीजिएगा, ब्राइन के अंदर जो हमें pH वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, 6.5 से 7.5। अगर बाय द वे इससे डाउन हो जाएगा, इससे डाउन हो जाएगा तो आपकी जो क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। और अगर बाय द वे इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपकी जो लाइनें हैं उन पे जंग लगने का काम करेगा या उनको जल्दी डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो ब्राइन की जो pH वैल्यू होनी चाहिए 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। आप इसको चेक कैसे करोगे, आप इसको चेक करोगे लिटमस पेपर के द्वारा। लिटमस पेपर ये होता है और इसके अंदर ही कलर कोडिंग दी होती है। इसको आप कैसे चेक करोगे, चलो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हमारा, हम कुछ भी लेंगे, ब्राइन लेंगे, वाटर लेंगे, हम उसके अंदर इसको ऐसे ऐसे पुट करेंगे। अब देखिए निकालने के बाद ये जो कलर आया है, ये जो कलर आया है हम यहाँ पे मैच करेंगे कि इनमें से वो कौन सा कलर है, और जो भी कलर यहाँ पे शो करेगा वही हमारी pH वैल्यू होगी, ठीक है। तो pH वैल्यू हमेशा लिटमस पेपर के द्वारा चेक की जाती है। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि pH वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कंट्रोल नहीं होगी आपका टेम्परेचर रीच नहीं हो सकता। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किसके अंदर किया जाता है, किसके अंदर मापा जाता है, इसकी यूनिट क्या है, इसके अंदर है गैलन, क्या है, गैलन्स, ठीक है। इसको आप हमेशा देखोगे जैसे 1.16 गैलन, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है। और जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उतनी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखेंगे। मान के चलते हैं अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 1.20
चाहिए, तो हमारा जो टेम्परेचर है ब्राइन का नॉर्मली आराम से इजीली रीच कर सकते हैं, -14 -15 -16 तक रीच ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर और डाउन करना है, जैसे मान लो -60 हमारा चल रहा है, हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.20 गैलन है, अब हमें वो करना है -20, तो हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ाएंगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम उसके अंदर नमक डोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, नमक डोजिंग करेंगे। और नमक डोजिंग करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, हम उसकी दोबारा से क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कौन सा टूल होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, द डेंसिटी एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन मे बी मेजर विद ए हाइड्रोमीटर और विद ए डेंसिटी मीटर सच एज दोज डिजाइन बाय एटोन पार। मतलब क्या कह रहा है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसको ब्राइन को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर या डेंसिटी मीटर का यूज करते हैं। किसका, हाइड्रोमीटर का, कन्फ्यूज मत होना, हाइड्रोमीटर का आपको डायग्राम भी दिखाएंगे और मेजर कैसे होता है वो भी बताएंगे। दी रेगुलेटिंग मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी बट सम हाइड्रोमीटर मेजर बोम विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास ऑफ टोटल डिसॉल्व साल्ट इन द वाटर। मतलब वही बात कह रहा है, अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो आप उसके अंदर और नमक की मात्रा ऐड करें, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले तो हाइड्रोमीटर देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर कुछ आपका इस प्रकार से होता है, इसको आप बोल देते हो जार। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू लोगे, पानी लोगे, ब्राइन लोगे, जिसके आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लेनी है, और उसके बाद ये जो आपका स्केल है इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। कैसे, नहीं समझ में आया, चलिए दिखा देते हैं। आप इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे, ये हमारा जार है, ये हमने अंदर डाला, ये आपकी क्या है, ग्लास ट्यूब। ये आपका क्या बता रहा है, दिस लिक्विड हैज ए डेंसिटी ऑफ, मतलब जहाँ पे आके रुक रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके देखो पैरामीटर बने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जब हम इसको अंदर डालेंगे तो ये जैसे यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से हम वैल्यू को रीड करते हैं, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, वेट रहेगा, जैसे 1.2 1.1 1.0 0.9, ये सब क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ब्राइन की जो पीएच वैल्यू और ग्रेविटी, अगर आपकी दोनों एक्यूरेट है तो आपका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, अगर भाई दोनों मिसकरेक्ट है या मेंटेन नहीं हो रही है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, ताकि मैं और इसके ऊपर काम कर सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और बच्चों को नॉलेज मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।